जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी की यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी कृपा है और वंशी जी के ब्लॉग से, उसमें आपका स्वागत करता हूँ, जो खुद हनुमान जी चला रहे हैं। एक दुखियारी बहन की कहानी बताने जा रहा हूँ। उससे बहुत सारी माताएं और बहनें जो होंगी वो थोड़ी, उनको एक उम्मीद की किरण मिलेगी और कुछ सीखने को मिलेगा। और इनका एक प्रश्न भी है, उस प्रश्न का जवाब भी मैं इसमें देने वाला हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखें, प्रश्न का जवाब भी मिलेगा जो कई हद तक बहुत महिलाओं से, बहुत भाइयों से रिलेटेड है, और उसका जवाब सुने आप सभी। मैं बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ जय श्री राम बोल के। जय श्री राम। ये राजस्थान के रहने वाले हैं और नाम तो बताना सही होगा नहीं, ठीक है। इन्होंने बताया कि इन्होंने घर वालों की मर्जी के बिना, मना करने के बावजूद भी लव मैरिज की। अदर कास्ट मतलब का लड़का था वो, तो जब शादी कर ली उनसे, करने के बाद इनके साथ एक समस्या आई। बेबी शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, धीरे धीरे क्या हुआ, शादी के बाद ये चली गई माँ बापों की मर्जी के बिना और वहाँ रहने लगी उनके साथ, लड़के के साथ। सब कुछ सही सही चल रहा था, फिर कुछ समय बाद भाई देखो उतार चढ़ाव लाइफ में आते ही हैं। लड़के का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई। ये उनके लड़के की सेवा भी करती थी, बहुत ध्यान भी रखा, लेकिन लड़का का दिमाग कैसा हो गया पता नहीं, चिड़चिड़ रहा होगा क्या हो गया, वो लड़का इनको नापसंद करने लगा, गुस्सा करने लगा, गाली देने लगा, रोज गाली करता। और वो जब एक्सीडेंट के बाद ठीक भी होगा तो वो मारता रहता है इनको, मारना, हाथापाई चालू कर दी उसने, पिटाई करना, हाथापाई करना, ये सब चालू कर दिया। और ये लड़का और ये होगी परेशान। अब मेन बात जो शुरू होती है वो यहाँ शुरू होती है। अब इन्होंने वहाँ पे, किसी ने इनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे कोई मजार है, वहाँ जाया करो, वहाँ ठीक हो जाओगे जाके, आप वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपके घर की कलेश वगैरह प्रॉब्लम सॉल्व होगी जरूर। तो ये मजार पे जाए ले, घर से दूर था, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार जाती थी, लेकिन इनको आराम नहीं लगा। कोई 150 रुपये खर्चा वहाँ पे आता था, कोई प्रसाद वसाद कुछ चढ़ता हुआ या कुछ भी जो है, वो चीज़ उन्होंने लिखी नहीं ईमेल में, वो सब चीज़ की प्रॉब्लम रहती थी। और जाती थी आती थी, लेकिन जब 3-4-5 बार वहाँ हो आई, इनको आराम नहीं मिला, ये परेशान हो गई। तो किसी ने और ने इनको बताया कि ऐसे ऐसे वो मंदिर है, उस मंदिर में चले जाओ, वहाँ पे एक पंडित है, कोई कोई किसी चीज़ का पंडित होगा, कोई मंदिर होगा किस तरह का, वहाँ चले जाओ, उनके पास वो इलाज कर देंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो वहाँ चली गई। वहाँ गई, उस पंडित ने तो 2500 रुपये इनसे ऐंठ लिए कि हाँ मैं ऐसा काम कर दूंगा तुम्हारा पति तुमसे प्यार करने लगेगा, बात करने लगेगा, मारना बंद कर देगा, तो पति का की प्रताड़ना ना झेलनी पड़े, घर की कलेश से परेशानी ना हो। इस वजह से इन्होंने क्या किया, उनको पैसे दे दिए और उसने बोला कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा मेरे साथ, तभी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ सुखी तरीके से जीवन बिता पाएगा। ऐसे आप समझ गए होंगे कौन सा काम। तो इन्हें दूसरे कमरे में, अकेले कमरे में ले गया वो, और वो लेकर के गया, और वहाँ ले जाने के बाद उनने कुछ गलत काम करने की कोशिश की, इन्होंने वहाँ से भाग के निकल के आ गए बाहर, समझे हो, वहाँ से भाग के बाहर निकल के आ गए। और फिर इन्होंने वापस मंदिर से, भगत से, इनका भगत टाइप का कोई आदमी था वो, उनसे इनका भरोसा उठ गया, भगत से, समझ रहे हो ना, भगत से, माता की या उनकी किसी की चौकी लगाने वाला कोई, इस तरह का भगत होगा वो, अब तुम समझ जाओ किस तरह के लोग होते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ भक्तों से दूर रहो, कहता हूँ ना, इसलिए मैं भी कोई गद्दी चौकी वौकी नहीं लगाता हूँ, सिर्फ पूजा पाठ बताता हूँ, क्योंकि ठीक तो भगवान को करना है। अब इनका भरोसा उठ गया कि वापस मजार पे जाने लगे, वापस मजार पे जाने के बाद भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि इनको, ये जिस रिक्शे में बैठ के जाती थी ना मजार, तो एक रिक्शे वाला बोला बहन जी आप बहुत समय से यहाँ जा रही हो, बड़ी परेशान हो। तो इन्होंने अपनी परेशानी बताई नहीं, लेकिन वो समझ गया कुछ ना कुछ परेशानी, उसने एक चीज बोली इनको कि हनुमान जी के व्रत रखने शुरू करो, पंचमुखी तस्वीर रख के साथ में, और मंगलवार के व्रत पकड़ो हनुमान जी के, और मंगलवार के व्रत जब पकड़ोगे आप तो उन व्रत में मीठा ही खाना, नमकीन नहीं खाना, और बाबा के हनुमान जी का 3 बार या 11 बार पढ़ना। तो इन्होंने इस बात को इग्नोर किया, हनुमान जी की भक्ति को इस बहन ने इग्नोर किया। अब जब इग्नोर कर दिया तो घर में कलेश और बढ़ गई, जो चली रही थी शुरू से, आखिर में ऐसा समय आया इनको वो घर छोड़ के वहां से जाना पड़ा। कहीं कहाँ गई आखिर में, घर छोड़ने के बाद कहाँ गई, आए तो पिताजी याद, पिताजी भाई माँ वही याद आए जिन्होंने पैदा किया, जिस घर को छोड़ के भागी थी, वापिस वहीं गई ना। माँ बाप कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन बच्चे समझते नहीं है।
इतनी कहानी को ये समझें कि आजकल की लड़कियों के लिए, माताओं बहनों के लिए एक 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 इंफॉर्मेशन है, सूचना है, जानकारी है इस कहानी की। इतनी कहानी को ये समझें। अब आगे की जो कहानी है वो सुने, ये सच है, रियल लाइफ से रिलेटेड है। और उसके बाद इन्होंने घर अपने पहुंचने के बाद हनुमान जी के व्रत रखने शुरू करे मीठे से। और व्रत रखने शुरू करने के बाद इनकी जो प्रॉब्लम थी, क्या वो लड़का तलाक नहीं दे रहा था, उसने तलाक भी दिया, इनकी दूसरी शादी भी हुई। अब वहां पहले वाले घर में उस लड़के के साथ 9 साल रही है, 9 साल के बाद इस घर में आई अपने वापस घर में, फिर दूसरी शादी हुई, तो बच्चा इनको वहां से भी नहीं था। अब यहां पे जहां दूसरी शादी हुई है वहां पे भी इनको बच्चा नहीं है। कहने का मतलब ये है, किसी ने इनको काला जादू बताया, किसी ने इनको कोक बंधन बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। अब मैं बता देता हूं इनको, इनको जो लड़के से जहां लव मैरिज जहां हुई थी वहां पे, जो वहां की तरफ से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वहां की तरफ से इन पे किया हुआ, इनके कपड़े को लेकर के इस्तेमाल करके इनके ऊपर किया हुआ, आपस में लड़ाई हो, अलग हो जाए, यही किया हुआ और वही हुआ, लड़ाई झगड़े होते रहे और इनकी कोख बंधन हो जाए कि बच्चा ना हो, बच्चा होगा तो अलग नहीं हो पाएंगे, इसलिए कोख बंधन किया हुआ। इनकी जो पहली शादी हुई थी वहां से, लव मैरिज जहां से हुई थी वहां से। अब ये वीडियो तो वो भी जरूर देख रही होंगी, ठीक है। अब हनुमान जी के इतने व्रत रखे, इनकी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हुई, दूसरी शादी हुई, सुख शांति से जीवन चल रहा है, लेकिन अब थोड़ी सी अनबन इनकी इस वाली शादी में भी होने लगी, क्योंकि सब कहते हैं कि सबको वंश चलाने वाला चाहिए, कि वंश कैसे चले आगे, आगे लाइफ नहीं बढ़ रही इस तरह से, इटी से समझ रहे होंगे आप। तो इस वजह से अनबन रहने लगी घर में। तो अब ये परेशान है कि भैया मेरे को कैसे ही बच्चा, मैं चाहती हूँ लेकिन होता नहीं, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। अब मैं इन बहन को जो बताने जा रहा हूँ, इनको वो काम करना, अगर इनकी कोख बंधन में है, जो कि साफ सच बात है, इनको बंधन लगाया गया है और वो बंधन कटा नहीं है अभी तक, कई जगह दिखा लिया है, कटा नहीं है। हनुमान जी की अनुभूति भी इनके आसपास बताई है कि आसपास इनके हनुमान की अनुभूति भी है, लेकिन गंदी चीज तो लगा रखी है ना, अब ये हनुमान चालीसा पढ़ती हैं। अब मैं इनको बताता हूँ कि इनको क्या करना है, ठीक है। अब इसी में आजकल की माताओं बहनों के लिए, जिनको ऐसी किसी तरीके की समस्या है, उनके लिए एक उदाहरण, एक सॉल्यूशन, एक उनके प्रश्नों का एक उत्तर जो मैं देने जा रहा हूं, उनको क्या करना चाहिए, उनको यह करना चाहिए, हनुमान जंजीरा यति हनुमान शावरों ने चौकी मंत्र, इन बहन को चौकी मंत्र करना है हनुमान जी का। हनुमान जी के मंदिर जाए, मंदिर जाती होंगी, वहां हनुमान जी के मंदिर में जाके कोई सिंदूर चढ़ता हो जिस मूर्ति पे, उस मूर्ति के सामने विनती करें, हनुमान जी महाराज बालाजी कृपा चैनल से दीपक भैया को साक्षी मान के चौकी मंत्र मैं करने जा रही हूँ, कृपया करके इस चौकी मंत्र से मेरे शरीर में कैसी भी चौकी का बंधन छोड़ा गया है, कोई तंत्र किया गया, काला जादू किया गया है, ETC एक्सेट्रा, उस सबको काट करें, मेरे कोख बंधन खोलें और किसी तरह की भी कोई गंदी चीज जो मेरे पेट में बैठी है उसे हटाएं। आप मेरे साथ रहते हैं मुझे पता है, मेरी विनती स्वीकार करें, मैं तुम्हारी बहन हूं। इस तरीके से आकर के कपूर विधि और जल विधि इनको करनी है खुद के लिए, घर में छिड़के नहीं छिड़के चल जाएगा, अपने लिए करनी है कपूर विधि सुबह शाम, जल विधि सुबह शाम, रोज 5 माला इस मंत्र का जाप करना है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, मंत्र अपने मुंह से इन्हीं बहन को बोल के देता हूं मैं, ओम राम नाम लेके हनुमान चले कहां चले, चौकी बिठाने चले, चौकी बिठा के रात की विद्या, दिन की विद्या, चारों पहर की विद्या काटे हनुमान, यति मंत्र बांध, तंत्र बांध, यंत्र बांध, मेरा प्रेत बांध, मेरे आन मेरे गुरुओं की आन छू वाचक रोम, जय श्री राम, गुरु जी बना लें शिव भगवान को और फिर इस मंत्र को करें और ये करते ही जाए जितना ये कर सकें, चौकी मंत्र करना है। और कुछ दिनों में देखेंगे इनके बंधन शरीर के जो लगे हुए हैं कोख पे या शरीर पे या सिर पे या शरीर में जो दर्द रहते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और बंधन कट जाएंगे और आगे आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है हनुमान जी महाराज की गोदरी करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए ये मेरा एक सॉल्यूशन मैंने दिया है, ऐसी ही माताओं बहनों को जिन पर काला जादू की वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं वो इस काम को वो भी कर सकती हैं। ये जो इस वीडियो में मंत्र दे रहा हूँ, ये जो इस वीडियो को देख करके जो महिला ही इस्तेमाल करेगी वो मंत्र उसी पर काम करेगा। और चौकी मंत्र करना है उनको, 5 माला नहीं कर पाए अगर समय ज्यादा लगता है नहीं है समय, 3 माला करें, 1 माला सुबह शाम और 1 रात, करना ही करना है। हनुमान चालीसा चाहे 1 पढ़े, बजरंग बाण 1 पढ़े, हनुमान अष्टक 1 पढ़े, बाकी चीज कम कर दें, इस मंत्र को बढ़ा दें, कपूर विधि, जल विधि, और अगर अपने ऊपर से बाजरे वाली विधि, हमने संकट तंत्र उतार विधि में, एक संकट तंत्र उतार विधि के नाम से वीडियो है इस चैनल पे,
उसमें बाजरे वाली विधि दी है, एक मुट्ठी बाजरा हाथ में लेके इस मंत्र को 11 बार पढ़ के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे, एंटी क्लॉकवाइज उतार के कबूतरों को डाल देंगे। ये भी रोज करें साथ में, बहुत जल्दी प्रभाव दिखाई देगा, इनकी समस्या समाधान हो जाएगा और हनुमान जी प्रचंड रूप से दिखेंगे, इनकी समस्या काटते हुए दिखेंगे। ठीक है, ये मैं इन बहन को सॉल्यूशन देता हूं, कृपया करके इसको इस्तेमाल करें, इनकी समस्या का समाधान जरूर होगा 1 से 1.5 साल में मुझे लगता है। बजरंग बली कृपा करेंगे, समय लगेगा। आप सोचें इतने भक्तों से होके आए हैं और ये प्रॉब्लम नहीं कटी, तो आप ये ना सोचें महीने भर में ठीक हो जाएंगे ये प्रॉब्लम। ठीक है, अपना मंगलवार को जो व्रत रखते हैं वो रखते रहें, मंगलवार को अगर कोशिश हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें अगर आप, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी दारू बियर मांस एग वगैरह अंडा वगैरह ये खाना नहीं है मंगलवार को, तो परे व्रत रखती हैं तो परे जो आपका बाकी जो लहसुन प्याज का होगा ही होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, ये विधि करें, हनुमान जी महाराज ने चाहा तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी समस्याओं का समाधान करें। जय जय श्री सीताराम। तबियत खराब हो उन दिनों में नहीं करना, उन दिनों में पूजा नहीं करनी, मंत्र नहीं करना, सीताराम 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 का जाप करना है, 5 दिन हो या चाहे 7 दिन हो, भगवान से हनुमान जी से कनेक्टिविटी जुड़ी रहेगी आपकी, आपकी समस्या समाधान हो जाए। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कष्टभंजन हनुमान जी से जुड़ी हुई है ये, और तो आप ये समझें कि शायद उन्होंने ही मंत्र दिया आपके लिए। ठीक है, जय श्री राम।